शोकत आपण पाहत आहात तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट चॅनल। अहमदनगर शहरातील दारुल उलूम रजा ए महबूब मदरशातील एकूण 40 विद्यार्थी शुक्रवारी दिनांक 22 मे रोजी रेल्वेने आपल्या स्वगृही रवाना झाले। तत्पूर्वी मदरशामधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आरोग्य पथकामार्फत तपासणी करण्यात आली। सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत व्यवस्थित रांगा लावून मुलांना घरी पोहोचू सर पुरेल एवढे खाण्यापिण्याची व्यवस्था मदरसा ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली होती। या कामी अहमदनगरचे मनपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक माननीय बाळासाहेब बोराटे व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे विशेषाचे मोलाचे सहकार्य लाभले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सय्यद साबिर अली साहेब, रफिक मेजर साहेब, शेख अब्दुल कादिर व इतर मान्यवरांनी मनोभावे सहकार्य केले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच हमारे शिवसेना के बाला साहेब बोराटे साहेब और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, इनके वजह से और हमारे बाला साहेब बोराटे साहब की वजह से और हमारे इतने माननीय उपस्थित हैं, इन सब की मेहरबानी और इनके सब की मेहनत के ज़रिए से आज ये बहुत बड़ा काम हुआ कि हमारा दारुल उलूम रजा महबूब मुकुंद नगर, यहाँ पर हमारे बच्चे 40 थे, इन्होंने हमने बहुत कोशिश करे और हमारे खुसूसी हम ये इनका बहुत आभार मानते हैं कि जिन्होंने हमारे संस्था के वास्ते पूरा 15 दिन से लगे हुए इस लॉकडाउन के परिस्थिति में मेडिकल करके पूरा बच्चों को अच्छे से अच्छा ये करके आज रवाना कर रहे हैं। और ये हमारे खुश नसीबी के हमारे अहमदनगर शहर में ऐसे नगर सेवक है जिनकी हम बहुत दिल से दुआ भी करते हैं और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। भगवान इनकी लंबी उम्र करे और हमारे तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं, आभार मानते और ये बहुत शुक्रिया बोलते। और हमारे से ये साबिर भाई ये आज से ये हमारे कई सालों से हमारी संस्था के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और हमारे मेजर साहब रफीक साहब ये भी हमारे इदारे और मदरसे के वास्ते बहुत कोशिश करते रहते तो, लेकिन आज का जो विशेष जो प्रोग्राम था हुआ ये हमारा सब पूरा ये हमारे बाला साहेब बोराटे साहब ने आज हमारा पूरा काम करे, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मैं हिंदी से कहता लेकिन इनका और बाकी लोगों का हमारे ये साबिर अली साहब का और बाकी यार इतने प्रमुख उपस्थित है इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आज के प्रोग्राम के हमारे अहमदनगर के बाला साहेब बोराटे साहब जिन्होंने कई सालों से हमारे समाज की सेवा करते आए और उनको हमारे पूरे समाज की जानिब से बहुत तय दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, रजाए महबूब के बच्चे हैं और दूसरे इदारे के भी बच्चे हैं हमारे, ऐसे कम से कम 150 बच्चे उन्होंने उनका सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करके उनका सब मेडिकल करवा के और उनको यहाँ आज रेलवे स्टेशन पर छोड़ने तक पहुँचे। और विशेष बात यह है कि ये शिवसेना के नगर सेवक है बाला साहब और उन्होंने ये हमारे समाज के लिए जो काम किए तो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता, हमारे समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। और राजू भाई हमारे डोलेकर जो है आरी भाई हो गए, ये लोगों ने सब आपके पूरी टीम है, इन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए जो ये काम किया, जो एक रुपया भी खर्चा नहीं आया, इदारे को भी नहीं आया, मदरसे को नहीं आया, इन्होंने भाग के 15-20 दिन से भाग दौड़ के ये सब करके हमारे बच्चे हर गांव में पहुंचा। इसके अलावा भी बाला साहेब ने नगर कॉलेज के कुछ बाहर के और भी शहर के बहुत लोगों की पूरी टीम ने काम किया, मैं इनको मेरे पूरे शहर की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक में महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट है हमारे पक्ष की तरफ से भी बाला साहेब बोराटे को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी की टीम को भी बहुत बहुत करता। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बाला साहेब बोराटे बहुत आभारी हूँ
इन्होंने हमारे मदरसों के लिए और बाकी मदरसों के लिए बहुत मेहनत की और उनकी टीम ने भी बहुत हमारा साथ दिया। फ्री में हमारे बच्चे जो है यहाँ से जो बिहार जा रहे हैं और दीगर स्टेटों में जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र अथॉरिटी का बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। Who can help you to become a brave soldier of the country? Anis Academy. Anis Academy. Anis Academy. सब्सक्राइब करा तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। रहा अपडेट।